सन 1945। ए मामू, पिक्चर में काम किया? नहीं। पैसा लगाया? नहीं। तो मुझे बताने देना मामू, डायरेक्टर अभिषेक वर्मन को पता था कि आजकल का ट्रेंड है मल्टी स्टार कास्ट, फिर चाहे अवेंजर्स हो या यू गेट द पॉइंट। इंट्रोड्यूसिंग माने देव चौधरी, मिसेस चौधरी माने सत्या, चंद्रमुखी एके बहार बेगम, मुन्ना भाई ग्रे बियर्ड एके बलराज चौधरी रूप है, और सौ सोनार की पर एब्स लोहार के एके सफर। लेट्स स्टार्ट। कहानी है हुस्नाबाद की, जहां पापा चौधरी और देव चौधरी मिलके न्यूज़पेपर का बिजनेस चला रहे होते हैं। मिसेस चौधरी बीमारी की वजह से मौत के कगार पे होती है, जब वो देव बाबू पे प्रेशर बना के उनकी शादी रूप से करवा देती है। कारण, एक काम अपनी हयात में ना कर पाए तो मरने के बाद भी बचताऊंगी, लेकिन इस रिश्ते में इज्जत होगी प्यार नहीं होगा। डैम, रूप दिल पे पत्थर और मुंह पे मेकअप करके देव बाबू से ब्रेकअप तो नहीं करती, पर मिलती है जफर से। जफर पेशे से लोहार और शराफत के मामले में गवार होता है। मैं शादीशुदा हूं। मुझे कौन सा निगाह पड़ना था आपसे? टिपिकल बॉय। खैर, जस्ट लाइक टिपिकल सिनेमा, सीरत अच्छी भले ही ना हो, सूरत अच्छी हो तो एंड में प्यार हो ही जाता है। और फिर, अरे अभी इंटरवल नहीं हुआ, बढ़ाओ भाई। होल्ड, गेस व्हाट, एक्चुअली पूरी फिल्म ही गेस कर सकते हैं। स्टोरी लाइन काफी प्रिडिक्टेबल है और बहुत लंबी है, 2 घंटे 50 मिनट। कुछ सीन्स देवदास की याद दिलाते हैं तो कुछ टंग 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 टंग। अरे भाई, किसी भी बोगी में चढ़ जाना, ऐसा समझो कि एक मिक्सी में हम दिल दे चुके सनम, देवदास, DDLJ और गदर स्वादानुसार डाल के घुमाएंगे तो मिलेगा कलंक। बाकी ये फिल्म वन टाइम वॉच तो है, provided मेरे पास खोने को कुछ है ही नहीं। हाँ तो जाओ देखो। प्रेजेंटिंग कलंक, हो ना हो बॉक्स ऑफिस पे बिजनेस तो होगा ही।